बच्चों यहाँ सामने आपको कुछ लोगों का समूह दिखाई दे रहा है और इस समूह में आ, लोगों की अलग अलग विशेषताएं भी आपको नज़र आ रही होंगी विशेषताएं किस प्रकार की कुछ कुछ लोग जो हैं वो अधिक एज के हैं कुछ बाल आयु वर्ग के हैं कुछ यंग जनरेशन के हैं इसी में आ, हम धर्म के आधार पर भी विभिन्नता देख रहे हैं कुछ हिंदू दिख रहे हैं कुछ मुसलमान हैं कुछ सिख नज़र आ रहे हैं हमको और निवास स्थान के आधार पर भी यहाँ पर हमको भिन्नता देखने को मिल रही है कुछ ग्रामीण परिवेश के लोग दिख रहे हैं तो कुछ नगरी परिवेश के लोग साथ ही जेंडर के आधार पर भी हमको यहाँ भिन्नता देखने को मिल रही है आप देख पा रहे हैं कुछ लड़कियाँ हैं फीमेल हैं और कुछ मेल कुछ पुरुष हमको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो ये एक समूह के अंदर जो आपको इतनी सारी भिन्नताएं देखने को मिल रही है इसे हम जनसंख्या की सामाजिक विशेषता कहते हैं और जनसंख्या की सामाजिक विशेषता को हम जनसंख्या संगठन या पॉपुलेशन कंपोजिशन या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जनसंख्या संरचना के नाम से भी जानते हैं तो आज हम बात करेंगे इसी जनसंख्या संगठन पर और इस जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम बात करेंगे आ, लोगों के या जनसंख्या की आ, का जो निवास स्थान होता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं या नगरीय क्षेत्र के इस पर बात करेंगे इनका जो भाषाई समूह है भाषा के आधार पर आ, इन पे हम चर्चा करेंगे साथ ही आ, धर्म के आधार पर लिंग के अनुसार और इनकी आयु संरचना के विषय में हम आज बात करेंगे तो सबसे पहले हम इनके निवास स्थान ग्रामीण और नगरी क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या के आधार पर हम आज चर्चा करते हैं बच्चों हम सभी को पता है कि भारत जो है हमारा भारत देश गांवों का देश है और भारतीय संस्कृति का आधार है क्या आपको पता है कि हमारे भारत में लगभग छः लाख चालीस हज़ार आठ सौ सड़सठ सिक्स फोर ज़ीरो एट सिक्स सेवन गाँव मिलते हैं और इतने गांवों में लगभग बसे हुए गांवों की संख्या जो है वो पाँच लाख संतानवे हज़ार छः सौ आठ फाइव नाइन सेवन सिक्स ज़ीरो एट जो हैं वो गांव बसे हुए हैं अब हम प्रतिशत बात करते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और नगरीय जनसंख्या का कितना है तो हम देखते हैं यहां पर ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68.8% परसेंट है और नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.2% परसेंट है और आपके सामने ये जो तालिका नजर आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि लगातार जितनी भी जनगणनाएं अभी तक आ, हमारे देश में हुई हैं, तो उसमें हम नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो हमें नज़र आती है या वो हमें देखने को मिल रही है तो भाई आ, क्या कारण है अभी हमने बात की थी कि गांव जो है वो तो हमारी भारतीय संस्कृति के आधार हैं तो वो ऐसे कौन से कारण हैं जो नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसमें हमें लगातार कमी देखने को मिल रही है या हम ये कहें कि ग्रामीण जनसंख्या या गांवों में जो निवास करने वाले लोग हैं वो लगातार नगरों की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं तो कुछ कारण हैं जो नगर की तरफ लोगों को आ, नगर जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उसमें कुछ रीज़न हम देख रहे हैं हम और पहले भी बात कर चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर रोजगार के कम अवसर हमको मिलते हैं जबकि नगरीय क्षेत्र में हमको बहुत से रोजगार के अवसर जो हैं हमारी क्वालिफिकेशन के आधार पर बहुत सारे अवसर हमको वहाँ पर उपलब्ध होते हैं तो यही कारण है कि जब लोगों के पास रोजगार की कमी होती है काम की कमी होती है तो वो नगरों की तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं और नगरों की तरफ प्रवास करते हैं और दूसरी हम देखेंगे कि आप में हमने अक्सर ये देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं वहाँ पर वो जो आवास संबंधी सुविधाएं हैं या मैं ये कहूँ कि जो शिक्षा से संबंधित सुविधाएं हैं शिक्षा में भी यदि हम बात करें तो आपका जो एजुकेशन है वो हायर एजुकेशन हमें गांव में नहीं देखने को मिलता यदि हमको और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम नगर की तरफ ही जाएंगे या नगरों में ही जाकर निवास करेंगे तो दूसरा प्रमुख कारण है कि गांवों में आपको शिक्षा के कम अवसर मिलते हैं अगर हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम नगरों की तरफ जाते हैं तो ये दूसरा प्रमुख कारण है जो नगर की तरफ लोगों को आकर्षित करता है इसके साथ हम देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी अभाव होता है आपके गांवों में और हम शहर में देखेंगे जितनी भी टाइप की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं हर टाइप की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको शहरों में या नगरों में उपलब्ध रहेंगी तो चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का जो अभाव है वो लोगों को नगरों की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है इसके साथ ही हम देखेंगे आ, कि आ, नगर में जो आ, लोग रहते हैं या नगर में रहने वाले जो निवासी हैं उन्हें यातायात परिवहन संबंधी जो सुविधाएं हैं मतलब हर स्थान से उनकी कनेक्टिविटी होती है यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं जो शहर से बहुत अलग थलग स्थित है तो हम और आपको दिल्ली जाना है कोलकाता जाना है या अन्य किसी भी बड़े नगर या महानगर की तरफ जाना है और आपको रेल से यात्रा करनी है तो वहाँ पर आपको रेल की पटरियाँ नहीं मिलेंगी आपको उसके लिए अपने आसपास लगे हुए शहर में ही जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आप रेल के माध्यम से या ट्रेन के माध्यम से जो है यात्रा कर पाएंगे तो या आपके गांव में एयरपोर्ट की सुविधा आपको नहीं मिलेगी यदि आपको प्लेन से सफ़र करना है तो भी आपको अपने आसपास के शहर में ही जाना पड़ेगा तो परिवहन या, या यातायात जो संबंधी सुविधाएं हैं या हर स्थान से जो कनेक्टिविटी की हम बात करेंगे तो वो भी ग्रामीण क्षेत्र में हमें उपलब्ध नहीं होता है जो लोगों को नगरों की तरफ जाने के लिए आकर्षित करता है अभी आ, हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि इंटरनेट का जो यूज़ है वो बहुत अधिक बढ़ गया है और हम ये देखेंगे कि यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम जो है वो आती है और ये समस्या हमको शहर में देखने को नहीं मिलेगी तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको शहर की तरफ आकर्षित करते हैं या शहर में जाने के लिए मजबूर करते हैं अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो गांव हैं हमने भी बात की थी कि लगभग पाँच लाख संतानवे हज़ार छः सौ आठ बसे हुए गांव हैं उसमें भी हम देखते हैं कि गांवों को अलग अलग विभाजित किया गया है जनसंख्या के आधार पर अधिक जनसंख्या से कम जनसंख्या का जो आकार है उसके आधार पर गांवों का वर्गीकरण किया गया है तो पहले हम देख लेते हैं कुछ इससे संबंधित तथ्य जो हैं जो जनसंख्या के आकार के आधार पर गांवों को वर्गीकृत करते हैं उसमें पहला है आपका भारत में लगभग जो 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या है वो छोटे आकार के गांवों में निवास करती है इसके बाद लगभग 20 प्रतिशत जो जनसंख्या है वो आपके मध्यम आकार के गांवों में निवास करती है और इसके बाद लगभग पाँच प्रतिशत जो जनसंख्या है वो बड़े आकार के गांवों में निवास करती है तो ये ग्रामीण जनसंख्या से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं भारत में और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूरे भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर गांवों की संख्या और ग्रामीण जनसंख्या दोनों ही सबसे अधिक मिलती है पूरे भारत में उसके बाद हम देखें दूसरा और क्रमशः तीसरा स्थान जो है वो आपके मध्य प्रदेश और बिहार का है फिर हम बात करेंगे कि जो भारत के आ, इस नक्शे में आप देख पा रहे हैं भारत का जो पूरा उत्तर पूर्वी राज्य है चाहे हम उत्तर पूर्वी राज्य की बात करें या जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि इन क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो अपेक्षाकृत भारत के जो राज्य हैं उनकी अपेक्षा यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कम देखने को मिलती है फिर एक और फैक्टर है जिसमें जो प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारत का जो प्रायदीपी पठार वाला हिस्सा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसमें भी मुख्य रूप से उड़ीसा है आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो नगरी जनसंख्या की अपेक्षा यहाँ पर हमको कम देखने को मिलती है तो हम इसको फिर से समराइज़ कर लेते हैं कि जब हम गांवों की संख्या या ग्रामीण जनसंख्या की जो हमने बात की तो उसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है उसके बाद फिर मध्य प्रदेश और बिहार है लेकिन जब हम मध्य के कम की बात करेंगे तो पूरे केंद्र शासित प्रदेश और भारत के जो पूरे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर हमको कम जनसंख्या देखने कम देखने को मिली ग्रामीण जनसंख्या जो है और हम जो प्रायद्वीपी भारत की बात कर रहे हैं तो प्रायद्वीपी भारत के राज्यों में मुख्य रूप से हमने कहा उड़ीसा आंध्र प्रदेश उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो नगरी जनसंख्या की अपेक्षा अधिक है तो ये कुछ तथ्य हो गए जो ग्रामीण जनसंख्या और नगरी जनसंख्या के तथ्यों को हमारे सामने भारत के संदर्भ में लेकर आते हैं अब हम बात करते हैं नगरीय जनसंख्या नगरीय जनसंख्या के आधार पर भी भारत को कुछ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है तो नगरीय जनसंख्या का क्षेत्रीय स्वरूप हम देखते हैं अपने भारत में तो सबसे पहला इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है या विभाजित किया गया है पहला है तीस प्रतिशत से अधिक नग, नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र उसके बाद दूसरे नंबर पर हम लेते हैं पंद्रह से तीस प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र और तीसरा जो है वो ऐसे क्षेत्र आते हैं जहाँ पर पंद्रह प्रतिशत से भी कम नगरीय क्षेत्रफल हमें मिलता है तो पहले में हम देखते हैं जो सबसे अधिक जहाँ पर नगरी जनसंख्या का फैलाव है तीस प्रतिशत से अधिक नगरी जनसंख्या वाले क्षेत्र की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है दिल्ली जहाँ पर 97.50 परसेंट जो है नगरीय जनसंख्या है उसके बाद चंडीगढ़ आता है 97.28 परसेंट फिर इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र भी है 45.23 और तमिलनाडु का परसेंट है आपका 48.45 परसेंट इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं जहाँ पर 15 से 30 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या जो है वो निवास करती है ऐसे क्षेत्रों में केरल है 47.72 परसेंट उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है 33.49 परसेंट और उसके बाद हरियाणा है 34.79 परसेंट और हमारे छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 23.24 परसेंट जो है वो मिलता है फिर तीसरा विभाजन हम देख लेते हैं जहाँ पर 15 प्रतिशत से भी कम नगरीय जनसंख्या मिलती है तो यहाँ पर मुख्य रूप से बिहार राज्य है बिहार आप यहाँ पर नक्शे में देख पा रहे होंगे जहाँ पर इलेवन पॉइंट थ्री जीरो परसेंट मिलता है उसके बाद आ, ओडिशा है 14.97 पॉइंट नाइन सेवन परसेंट फिर सिक्किम है इलेवन पॉइंट वन ज़ीरो परसेंट और अरुणाचल प्रदेश में ट्वेंटी पॉइंट फोर परसेंट इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश भी है जो इस श्रेणी में आता है जहाँ पर पंद्रह प्रतिशत से कम नगरीय जनसंख्या हमको देखने को मिलती है आ, ये हो गई बात ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की अब हम ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर देख लेते हैं इसमें प्रमुख अंतरों की जब हम बात करेंगे तो पहला है गांवों में जो आपको आवास मिलेंगे वो आ, अव्यवस्थित क्रम में होते हैं इसकी आवासीय संरचना को का कोई क्रम नहीं होता है जबकि नगरीय जनसंख्या की जो आवासीय संरचना होती है वो व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होती है ग्रामीण जनसंख्या के लोग अधिकांशतः प्राथमिक व्यवसाय जैसे पशुपालन और मत्स्य व्यवसायों में लगे होते हैं लेकिन नगरीय जनसंख्या की यदि हम बात करें तो वो मुख्य रूप से तृतीयक व्यवसाय जैसे नौकरी है चिकित्सा का कोई क्षेत्र या किसी भी अन्य तृतीयक व्यवसाय वाले क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं ग्रामीण जनसंख्या में एक सामाजिक संबंध पाया जाता है सब जितने भी लोग वहां पर निवास करते हैं वो एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं लेकिन नगरीय जनसंख्या में यह बात नहीं होती यहाँ पर सामाजिक संबंध केवल औपचारिक होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आवास और परिवहन की समस्याएं नहीं होती हैं क्योंकि वहां पर जो आवास हैं वो पास पास स्थित होते हैं लेकिन नगरों में यदि हम देखें तो यहाँ पर आवास की समस्या क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक होती है साथ ही परिवहन के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं जो है वो निर्मित हो जाती है ग्रामीण जनसंख्या का जीवन शांत और बनावटीपन से दूर होता है लेकिन नगरी जनसंख्या का नगरी जनसंख्या की जो जीवन व्यवस्था है वो व्यस्त संघर्ष युक्त और भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगी होती है ग्रामीण क्षेत्र के लोग खुले वातावरण में रहते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भीड़ भाड़ नहीं होता है जबकि नगरों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ होता है और मकान भी या आवास जो है वो आवश्यकता अनुसार नहीं होते हैं गांवों में पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होता है लेकिन नगरों में पर्यावरण प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं या मनोरंजन के साधनों का अभाव मिलता है लेकिन नगरों में शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन आदि अनेक प्रकार की आ, सुविधाएं जो है उसमें हमको आ, बहुत सी व्यवस्थाएं उसके अंतर्गत देखने को मिलती है भारत की जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता भी देखने को मिलती है कहीं पर ये दशकीय जन जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अधिक है कहीं पर कम जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है तो हमें हम इनके वृद्धि दर के हिसाब से इन्हें दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं पहला है आपका उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र और दूसरा निम्न जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र उच्च जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र में भारत का जो पूरा उत्तरी क्षेत्र उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र वाले जो राज्य हैं ये आते हैं और इस वर्ग के अंतर्गत हम इन राज्यों को ले रहे हैं जहां पर लगभग 20 से 25 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर जो वृद्धि दर पाई जाती है और निम्न जनसंख्या वृद्धि दर जहां पर 20 प्रतिशत से कम जनसंख्या वृद्धि मिल रही है उन क्षेत्रों को हम निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र में रखते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसा हम उत्तरी उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र कह रहे हैं तो आपका पूरा उत्तरी महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान का कुछ हिस्सा ये पूरे जो राज्य हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं और जब हम निम्न जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक बात हमको ध्यान देनी होगी जो केरल है यहाँ पर सबसे कम वृद्धि दर देखने को मिल रहा है जिसका प्रतिशत नौ दशमलव नौ दशमलव चार प्रतिशत है इसके बाद कम वृद्धि वाले क्षेत्रों में क्रमशः जो है आपके कर्नाटक राज्य आ जाता है आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ओडिशा गोवा और पुदुचेरी यहाँ पर इन राज्यों में बीस प्रतिशत से भी कम जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है अब हम जनसंख्या के संगठन की दूसरी विशेषता देख लेते हैं जब जो भाषा के आधार पर विभाजन किया जाता है या जनसंख्या में जो भाषाई समूह हैं उनकी हम बात करते हैं हम सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे भाषा और बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं भाषा और बोली से संबंधित बहुत अधिक विविधता जो है वो हमारे देश में देखने को मिलती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत में भाषा का भाषाई सर्वेक्षण किया गया था वो लगभग 1903 से 1928 के मध्य किया गया था और ये कार्य किया था ग्रियर्सन के द्वारा या ग्रियर्सन महोदय ने ये भाषाई सर्वेक्षण जो है वो भारत में किया था इस अवधि के दौरान और तब कुछ बातें जो हैं वो निकल कर आई थी जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत में वन सेवेंटी नाइन एक सौ उन्यासी भाषाएँ जो हैं वो बोली जाती हैं और लगभग पाँच सौ चवालीस बोलियाँ बोली जाती हैं इसमें भी वन सेवेंटी नाइन जो भाषा की हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज की उसमें संविधान के द्वारा जिनको मान्यता प्रदान की गई है या हम ये कहें कि जो संविधान में अनुसूचित है ऐसी कुल 22 भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं जिसमें इन आ, 22 भाषाओं में भी यदि हम बात करें तो सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी हिंदी है और सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है वो संस्कृत है आ, उसके बाद बोडो और मणिपुरी आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं की जननी जो है वो हमारी भाषा संस्कृत ही है और हम यहाँ पर देख रहे हैं इन आंकड़ों से कि आज इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है या हम ये कहें कि बहुत खराब स्थिति में है कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा में आज संस्कृत को शामिल है फिर हम वर्गीकरण यदि करते हैं भाषाओं का वर्गीकरण किया जाए तो चार भाषा परिवार जो है वो भारत में हमें मिलते हैं इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं आस्ट्रिक भाषा परिवार है जिसे हम निषाद के नाम से भी जानते हैं इनका प्रतिशत जो है वो लगभग 1.38 परसेंट जो है वो आस्ट्रिक भाषा परिवार हमें भारत में मिलता है इसके बाद द्रविड़ भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार आ, का जो समूह है वो लगभग 20% परसेंट हमें यहाँ पर भारत में मिलता है फिर तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार है और इसका जो प्रतिशत है वो 0.85% परसेंट है और इसके बाद हम देख रहे हैं भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार जिसे आर्य भाषा समूह या आर्य भाषा परिवार भी हम कहते हैं और इसका प्रतिशत हमें सबसे अधिक देखने को मिल रहा है जो लगभग सेवेंटी थ्री परसेंट मिलता है